मौसम में जैसी गर्मी हो गई है वैसे ही चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बरेली में आज पहली बार यानी कि 7 मई के लिए तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। उसी को लेकर सुप्रीमो मायावती यानी कि उनके भतीजे आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो आज एक बड़ी जनसभा यानी कि मंडलीय जनसभा कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है और थोड़ी देर में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जो है यहाँ एक मंडलीय सभा करेंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ देख सकते हैं तालियां की गड़गड़ाहट हो रही है और तमाम महिलाएं भी पहुंची हैं। एक बार मैं अगर आपकी इधर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां पर भीड़ भाड़ और इनके समर्थक हैं वो दिखाई देंगे। सामने की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो मंच बना हुआ, कुछ ही समय में यहाँ पे जो आकाश आनंद है वो पहुंचेंगे और यहाँ अपना संबोधन करेंगे। लोगों से बात कर लेते हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? नाम विश्वनाथ है। कहाँ से आए आप? हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलानी मंदनावा से। किसे सुनने आए, कौन आ रहा है यहाँ पे? हमें यहाँ मायावती, बहन मायावती। बहन मायावती उनके भतीजे आकाश आनंद आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताइए कि जो मोदी जी की सरकार है वो क्या अच्छी नहीं लगती है? वो अच्छी नहीं लगती है। क्यों? अरे गाय दुखी करती है। क्या होता है? गाय खेत खेत फिर रही है, यानी कि आवारा पशु। हाँ आवारा। तो किससे सरकार में लाना चाहते हैं? हम मायावती को लाना चाहते हैं। मायावती को लाना चाहते हैं, अच्छी सरकार है उनकी। अच्छा इस सरकार में क्या लग रहा है आपके लिए? ये तो पुरानी सरकार, क्या लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये सरकार अच्छा ही नहीं, अच्छी नहीं है ये सरकार। तो देख सकते हैं और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ खाना खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया खाना खा रहे हैं आप? जी। पैकेट कहाँ, घर से लेके आए? यही मिले रैली में मिले थे। अच्छा देखिए रैली में पैकेट मिले हैं, किसे सुनने आए आप? श्री आकाश आनंद जी, आकाश आनंद जी के लिए। अच्छा बताइए मोदी जी की सरकार क्या आपको अच्छी नहीं लगती है? क्या आपको खुद पता होना चाहिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, तो हमें तो अच्छी नहीं लग रही है। क्यों, क्या कमियां हैं उसमें? क्या कमियां हैं? वो तो हमें कमियां जो है वो हमको पता होनी चाहिए। बताइए थोड़े दर्शकों को, बताइए क्या कमियां? किसान आदमी को सबसे बड़ी दिक्कत है, किसान के लिए। हम लोगों को भी दिक्कत है। क्या, क्या दिक्कत है? खेती बाड़ी वाले हैं, मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाले हैं, ठीक है। दिन भर रात भर खेत में रखाते हैं, दिन में भी देखते हैं, बहुत सा काम है, लेकिन इसलिए बहुत नुकसान था। अच्छा ये बताइए पहले बहन जी मुख्यमंत्री रही तो उनके 4-5 काम बताइए आप, इनकी कमियां बता रहे हैं आप? कमी अब किसी की नहीं बता रहे, फिर भी लेकिन कमी तो है ही है, आखिर है नहीं तो जनता क्यों परेशान हो रही है? तो सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं जो मुझे जो काम करना है वो मैं अपना कर रहा हूँ। तो हम और लोगों से बात करेंगे, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से, किसे सुनने आए आप यहाँ पे? हम मायावती चुन रहे, मायावती के लिए। ये होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी नहीं लगती आपको? हाँ हमें मोदी सरकार अच्छी। क्यों? अभी तेरी सरकार है, कोई कोई कैसी सरकार है? मनोहर ने मतलब बेचते गाड़ी बेचते लाइन बेचते हर चीज बेचते, महंगाई है सरकार। हाँ, महंगाई बहुत महंगाई। तो इस बार किसकी सरकार पे चाहेंगे? मायावती के लिए। मायावती इससे पहले भी मुख्यमंत्री थी? हाँ बहुत बढ़िया सरकार चलाई, ऐसी किस्म चलाई है ना सरकार। अच्छा हाँ, कब आज आकाश आनंद को सुनने आया? हाँ आकाश, देख सकते हो ये लोग कह रहे हैं तमाम सरकार में महंगाई है। मैं महिलाओं से भी बात करना चाहूंगा और इनसे भी पूछूंगा। अम्मा कहाँ से आई हैं आप? बताइए कहाँ से आई है? अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? शाहजहांपुर से। किसे सुनने आई आप? मायावती। मायावती तो नहीं आ रहे, उनके भतीजे आ रहे हैं। भतीजे देखे ना आए। अभी जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सरकार में अच्छी है क्या? भैया अच्छी सबकी है, मायावती सबसे बढ़िया, अच्छी सबकी है, मायावती सबसे बढ़िया। अच्छा मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ। अब मोदी ने तो भैया गैया छुड़वा दे तो खेत में कुछ होता ही ना, खाई का। तो प्रधानमंत्री ने गाय छुड़वा दी? हाँ, अब मायावती हुई जाए हमारी बढ़िया है, हम अपनी मायावती की जीता ही प्रधानी। बहन जी को लाना चाहते हैं? तो देख सकते हो इनको तमाम लोगों का ये कहना है कि इस सरकार में महंगाई है, हम इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं। तमाम जो संख्या में हजारों के लोग हैं यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? हरकस कुमार, बीपी सिंह गौतम। कहाँ से आए हो? ग्राम चंदपाई, ग्राम चंदपाई। जिला कौन सा? जिला शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से आए हो? किसे सुनने आए हो आप? आकाश आनंद सर। अच्छा, तो ये सरकार जो सरकार कैसी है, ठीक नहीं है सरकार? ये सरकार में तो जो शिक्षा है उसका महत्व ही खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा पेपर लीक के बारे में, आरओ में फॉर्म डाले थे। अच्छा, आपने भी डाला था? नहीं हमने नहीं, भाई ने मेरे डाला था और पुलिस में भी डाला था मेरे भाई ने, तो उसमें उसको लेकर बच्चों ने फॉर्म भी डाल दिया हम लोगों ने, लेकिन उसका पेपर भी लीक करके तो पेपर लीक कर उनका कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई वो ऐसे तो चलती रहती है कार्रवाई, लेकिन इसका पेपर ही नहीं अभी हुआ है, ऐसे आरओ का हुआ और पुलिस का भी पेपर लीक हो गया। अच्छा। शिक्षा को लेकर इस सरकार शिक्षा के लिए बेकार है। अच्छा। तो सरकार को बदलना चाहते हैं? हाँ इसीलिए बदलना चाहते हैं। जो बहन जी हमारी, हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे,
क्योंकि वो शिक्षा के लिए जो है वो लोग ज्यादा जागरूक कर रहे हैं शिक्षा के लिए। अब वो बाबा साहब ने जो कहा था उनके सपने को साकार करने के लिए कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, इसीलिए वो हम बीएसपी की सरकार बनाना चाहते हैं और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए आपका, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिया राम है, मैं जनपद शाहजहाँपुर से आया हूँ। अच्छा, थाना मंगनापुर जी जी, ग्राम सभा तिलोकपुर केशवपुर का गाँव का रहने। किसे सुनने आए आप ये बताइए आप? मैं बहन जी को, मायावती को चुनने आए हैं। नहीं, उनके तो भतीजे आ रहे हैं। उसके भतीजे आनंद राव जो आ रहे हैं आकाश, उनको मैं चुनना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये सरकार क्या, इस सरकार में क्या कमी है? ये सरकार झूठे वादा करती है, ये सरकार झूठे वादा करती है। शाम को कुछ कहती है, सुबह को बदल जाती है। कहती है कहीं इतने पैसे डालेंगे, कहीं उतने पैसे डालेंगे, बहकावा में लोगों को डालती है, कुछ नहीं करती है। गायों से आदमी, किसान आदमी गायों से परेशान है, रात रात में जगते जगते परेशान है, आंखें फूटी जा रही, फिर भी नहीं, भरपूर अनाज नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं ये सरकार को नहीं चाहते, मैं अपनी बहन जी की सरकार बनाना चाहता हूँ जो हमारे गरीब पीड़ित लोगों को देखती है। तो देख सकते हो यहाँ तमाम जो हजारों की संख्या भीड़ है, कुछ ही देर में यहाँ जो आकाश आनंद है वो बड़ी जनसभा यानी मंडलीय जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि इस सरकार में जो है कि आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है और वो इस बार बहन जी मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।